मैं हूं अल्फी और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। केंद्र और किसानों के बीच सहमति न बनने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। फतेहगढ़ साहिब से शंभू बॉर्डर पर जमा हुई किसानों की भीड़ पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यहां पुलिस के कंटीले तारों के अलावा बैरिकेड, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक, कंटेनर और दूसरे अवरोध भी लगाए हैं। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाने के अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। ड्रोन की मदद से इस इलाके की निगरानी की जा रही है। पुलिस ने कई बार मॉक ड्रिल भी की है। दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 भी लगाई हुई है। इन बॉर्डर से आने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है।